हाउ टू फिक्स वन प्लस 60 मैक लरेन कैंट कनेक्ट टू ब्लूटूथ हेडसेट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में ब्लूटूथ हेडसेट का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने ब्लूटूथ हेडसेट के साथ में, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये किस तरीके का प्रॉब्लम है और कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मैं आपको इस वीडियो पे बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ठीक है मोबाइल रिस्टार्ट करना है और उसके बाद जाना है सेटिंग एंड देन स्क्रॉल डाउन करना है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिस्टम पर क्लिक करना होगा और रीसेट पर क्लिक करके रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। उसके बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए एंड आपका नेटवर्क सेटिंग ब्लूटूथ सब कुछ रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में जाके ऐप एंड नोटिफिकेशन को ओपन करें, सी ऑल ऐप्स पर जाए, फाइंड आउट कीजिए अपना ब्लूटूथ, अगर नहीं मिल रहा है थ्री डॉट्स में क्लिक करें, शो सिस्टम पर जाइए और उसके बाद आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको नीचे जाना है, तो ये रहा दोस्तों ब्लूटूथ, स्टोरेज एंड कैश पर जाइए, क्लियर डेटा करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से नीचे वाला पे ऑप्शन पे भी जाना है, स्टोरेज पे क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज करके ओके कर देना है। उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें एंड देन चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके ब्लूटूथ हेडसेट को भी आप ऑफ करके ऑन कीजिएगा, ठीक है, तो उससे काम बन जाएगा। तो यह था दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करें, उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, पावर ऑफ के बटन पे 2 सेकंड टैप करके रखिए और ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा जब आपके मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा।